अरे बाप रे बाप, खुश मानी दुनिया के सभी लोग। अरे अल्लाह है नेक्स्ट के आज के बारे में का सोच ला आपका मेरे ब्लॉग में। गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त मजे में बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ बनाने, सुबह सुबह का टाइम नहीं है, 8:30 बजने वाले हैं। और मैं अभी जा रही हूँ आलू मटर की सब्जी बनाने। तो जो कि मैं आलू उबाल चुकी हूँ, मटर वगैरह सब कुछ छिल चुका है, टमाटर प्याज सब कुछ काट के मसाले सब कुछ रेडी हो चुके हैं। बिकॉज लाइट नहीं थी और लाइट की वजह से मैं सोच रही थी लाइट आएगा तभी सारे मसाले पीस जाएंगे, क्योंकि ऐसे सील बट्टे पे मुझे नहीं आती। तो वही सब तैयारी हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ठंड के मौसम में ये सब्जी तीखा तीखा खाने में, चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। और चलिए देखते हैं कि कैसे बनता है। और बहुत इजी है, बहुत अच्छा भी लगता है, एकदम शादी ब्याह में जो बनता है बिल्कुल वैसा ही लगता है। और ज़्यादा मसाले भी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा मसाले और तीखे खाने से आप समझ सकते हैं कि सुबह में क्या होती है। तो बस वही है, चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बनती है। सो यहाँ पे माजी की गर्मा गर्म चाय एकदम रेडी हो चुकी है। मैं बनाई थी सुबह में ही, मिंकी दी उज्वल और साक्षी पी कर गए। माजी बिना चीनी वाला चाय पीती है, तो मैं इनका ग्लास में रख दी थी। फिलहाल ये गर्म करके पियेंगी, क्योंकि ठंडा हो चुका था। ठंडे के मौसम में बहुत जल्दी चाय ठंडी हो जाती है, कोई भी चीज़ ठंडा हो जाता है। यहाँ मेरे पति देव बना रहे हैं, अदरक भून रहे हैं, बिकॉज इनको कुछ बनाना है। वो इसमें हल्दी घी गुड़ वगैरह डालकर पता नहीं क्या क्या भूनिया जाता है सर्दियों में खाने के लिए। तो बस उसी की ये तैयारी कर रहे हूँ। और मैं भाई तो अपने तैयारी में लगी रहती हूँ, अमरूद से वो काट कर उसके एकदम सुबह सुबह एकदम रेड रेड थे, ये बहुत अच्छा लगा था देखने में। खाऊंगी और आपसे कुछ बातें करूँगी। तो जब तक मैं ये अमरूद खा रही हूँ, तब तक मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मायका बहुत याद आता है मुझे। ससुराल कितना भी प्यारा हो, मायका फिर भी याद आता है। रास्ता कितना भी कठिन हो, मगर मन उधर ही जाना चाहता है। ना जाने क्या आकर्षण होता है मायके की उन गलियों में, जाते ही सब थकान मिट जाती है, गुजरा जमाना याद आता है, वो बचपन याद आता है, मेरा स्कूल, मेरा पार्क, मेरा कमरा, मेरा ड्रेस और भी ना जाने कितनी यादें बिखरी होती है हर जगह सोच में। बहुत याद आता है कुंभकर्ण से सोने वाले हम, कब अलार्म से पहले जिम्मेदारियां जगा देती हैं, उस सब का ख्याल रखती, भागती दौड़ती सुबह में चाय जब ठंडी हो चुकी, चाय हाथ में होती है तो मायका वाली वो गर्मा गर्म चाय याद आती है। न जाने क्या आकर्षण होता है, न जाने क्यों खुशियाँ उमड़ आती है, और भी न जाने किस कोने से छिपा हुआ वादा याद आता है, माँ की पुकार याद आती है, माँ का लाड याद आता है, वो भाई संग झगड़े, वो बहन संग अनबन, वो पापा की फटकार, वो माँ का प्यार याद आता है। मुझे एक बार जाना है मायके की उन गलियों में, एक बार जाने दो बचपन की उन गलियों में, वो माँ की ममता के मायखाने से कुछ बूंद प्यार की लाने दो। एक बात तो सच है, शादी के बाद ससुराल में सब कुछ मिल जाए, वो अपना एहसास नहीं मिल पाता जो हम पीछे छोड़ आए हैं। मायके की वो खुशनुमा यादें हमेशा याद रहती हैं, मुझे मायका बहुत याद आता है। तो ये होता है कि हर लड़की के साथ होता है, एक मेरे साथ नहीं हुआ। और सच में बहुत ज़्यादा याद आता है, जो सुकून अपने मायके में होता है, ससुराल में कितना भी सभी लोग प्यार करें आपको, लेकिन वो एहसास नहीं मिल पाता है, पता नहीं क्यों कुछ अलग ही होता है। तो चलिए यहाँ पे हमारी सब्जी बन रही है और आप लोग देख भी रहे हैं कि कैसे कैसे मैं झटापट फटाफट से बना रही हूँ। तो बस आज सबका मन था ये सब्जी खाने का, मैं वही सिंपल से सब्जी बना रही हूँ और खाने में तो बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं मसाले में सिंपल मसाले हैं जो भी होते, लौंग, इलायची, अदरक, लहसुन, वही सब मैं, और जैसे जैसे मैं बना रही हूँ तो आप लोग देख ही रहे हैं। और बनाते बनाते बहुत सारी बातें भी हो गई, कुछ आप लोग के साथ बातें शेयर भी कर ली मैं कि मन में जो चलता है। तो मैं एक जगह ये पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ऐसा लगा कि जैसे ये आप पे खुद पे बीत रही हो, आप खुद ये बात को सोचते हैं उस तरीके से मुझे लगा। तो मैं सोची कि आप लोग के साथ भी शेयर करती और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे हमारी सब्जी भी बन चुकी है, मैं पानी डाल दी हूँ और गर्म, जब भी सब्जी बनाइए गर्मा गर्म पानी डालिए, अच्छा रहता है। और देख सकते हैं आप लोग कि हमारी सब्जी बन के एकदम रेडी हो चुकी है, कितनी अच्छी बनी और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत अच्छा लगा, सभी लोग खाए, बहुत मज़ा आया खाने में। तो ये मेरे हस्बैंड रात में पेटीज लेकर आए थे जो कि मैं गरम कर रही हूँ, क्योंकि रात में
बहुत चीज खा ली थी मैं, इसीलिए फिर मन नहीं किया खाने का, तो मैं इसको रख दी थी और अभी तवे पे गर्म करके खाऊंगी और छत पर लेकर जाऊंगी, क्योंकि छत पे बहुत अच्छी खासी धूप निकली हुई थी और ठंडे के दिनों में बहुत अच्छा लगता है छत पे बैठ के खाने में, क्योंकि छत पे जाओ तो धूप ही लगती है और नीचे आओ तो ठंडी ही लगती है, पता नहीं चलता है कि लोग जाए तो जाए कहाँ। तो वही मैं इनसे बातें कर रही थी और अपना पेटीज इंजॉय कर रही थी। वैसे मुझे पनीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं पनीर वाला पेटीज बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ लाने के लिए, क्योंकि फिर उसको फेंकना ही पड़ता है और जो उसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा उसका अलग, तो इसीलिए मैं नहीं खाती हूँ पनीर, और पनीर वाला पेटीज भी कभी नहीं मांगती। वैसे मेरे घर सब्जी भी कभी बनती है पनीर की सब्जी या फिर कुछ भी, तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट से खा लेती हूँ, और शाम को आज हमारे यहाँ बनेगी लिट्टी और चोखा देसी स्टाइल में, बिल्कुल ठंडे में, क्योंकि ठंडे में तो अच्छा लगता है। तो वही लिट्टी और चोखा बनने की तैयारी हो रही थी और माँ जी जी पेरेंट्स अभी में बोल हमारे भी यहाँ रही बनने थी। जा रही है लिट्टी चोखा, जिसके लिए प्याज मिर्च और जवाइन मंगरेल, इसमें डाला जाएगा थोड़ा सा खटाई जो बहुत अच्छा लगता है खट्टा खट्टा ऐसे खाने में। इससे पहले भी डाला गया था तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग जो बिहार के होंगे तो जानते होंगे कि हमारे यहाँ बिहार में बहुत ज़्यादा लिट्टी चोखा बनता है, और ये घर का सत्तू है जो कि चना आया था उसी को पीसा गया था, तो ये घर के सत्तू से बन रहा है एकदम ओरिजिनल। और आज ठंडी भी है बहुत ज़्यादा, तो खाने में बहुत मज़ा आने वाला है। और ठंडे के मौसम में तो अक्सर हमारे यहाँ ये सब बनता रहता है, क्योंकि गर्मी में उतना ज़्यादा बन नहीं पाता, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इसीलिए, तो ठंडे में ये बहुत ज़्यादा बनता है। और बरसात के मौसम में बहुत अच्छा लगता है, जब बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है ये बनता है। तो बस यही सब डाला जाएगा, तेल इसमें डाला जाएगा और थोड़ा सा लहसुन डाला जाएगा, और जो भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या डाला जा रहा है इसमें। तो बस यहाँ पर इन लोगों की पढ़ाई हो रही है, और वो जो सामने बैठी हुई है वो है साक्षी दीदी की बेटी, मिंकी दीदी की बेटी। तो नानी के यहाँ पे यहाँ लोग ये लोग आए थे 4-5 दिन के घूमने के लिए ठंडे के मौसम में, और इधर बन रही है हमारी, भरी जा रही है आटे में सत्तू। तो मैं ऐसे लोइया बना बना कर देती जाती हूँ और माँ जी गढ़ती जाती है। तो यहीं पे हमारी बात भी हो रही थी, और उज्जवल है ये साक्षी का छोटा भाई, उज्जवल है जो कि पूरे दिन सिर्फ दुकान में इस घुसा रहता है, कुछ कुछ खाते रहता है। फिर ये लेकर आया था पता नहीं क्या गुड़ का बना हुआ और ये मुझे खिला रहा था। मैं बोल रही थी नहीं मैं नहीं खाती, मुझे अच्छा नहीं लगता, बोलती पूरा खा जाए, वो तो बोल रहा था हाँ खा जाइए, बट मैं एक बार टेस्ट कर चुकी, मुझे उतना पसंद नहीं है इसीलिए मैं नहीं खा रही थी, और ये जबरदस्ती खिला रहा था कि नहीं अब खाइए, बट मेरा मन नहीं था इसीलिए मैं नहीं खाई, कि चलो मामी लगूंगी और मामी का जूठा नहीं खाया जाता है तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस यहीं पे हमारी बातें भी हो रही है, मस्ती भी हो रही है, और यहाँ पे लिट्टी गढ़ा भी जा रहे हैं। यहाँ तो हमारे यहाँ लिट्टी गढ़ना इसको बोलते हैं जो बनाया जाता है ऐसे गोल गोल लोई बना करके, और ये काम माजी करती हैं, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं आता है। ये गोईठा होता है, गोबर का बनता है, चपाती भी बोलते, पता नहीं क्या बोला जाता है और कुछ कुछ बोला जाता है। तो बस यही इसमें जो प्लास्टिक होता है वही लगाकर किया जाता है, और पहले इसमें टमाटर आलू और बैंगन पकाए जाएंगे। तो बस वही यहाँ पे ये पक चुका है अच्छे तरीके से, तो मैं इसका बना लूंगी चोखा, बैंगन टमाटर और थोड़े से आलू थे 2-3, तो उसी का मैं बना लूंगी। और मिंकी दी अभी आई हुई है, क्योंकि ये ऑफिस जाती है और शाम को आती है, ऐसे इनका ससुराल मेरा जहाँ मायका है उधर ही है, तो वहां से इनका ससुराल से ऑफिस थोड़ा पास में पड़ता है, बट यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है तो आने जाने में सफर करना पड़ता है, तो यहीं से ये आजकल जा रही है। तो वही शाम को आई थी, बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी तो यहाँ पे ये बैठ के बातें भी कर रही थी और अपना जो है ठंडी में मजा भी ले रही थी ये आपके पास बैठ के। तो यहीं पे हम जब सभी लोग बैठे थे, कुछ कुछ बातें कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, और कोई घर पे आता है तो अच्छा भी लगता है, नहीं तो पूरे दिन ऐसे बैठे रहो ना कोई आता है ना कुछ, तो अच्छा नहीं लगता। बहुत सारी बातें हुई, बहुत इधर उधर की बातें, खुद की बातें, पहले की बातें लोग बता रही थी कि पहले ऐसे होता था वैसे होता था हम लोग जमाने में, तो वही हम लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि माँ जी क्या क्या बोल रही है, और हमारी लिट्टी भी बन रही थी। तो बस यही कुछ हो रहा था आज। यहाँ पे लिट्टी पूरी अच्छे तरीके से सिक चुकी है और इसमें घी लगाकर एकदम घी लगा दिया जाता है, और मैं बना रही हूँ आलू बैगन टमाटर का चोखा, जिसमें मैं लहसुन और भुने हुए मिर्च और
नमक डाली हूँ ये सब डाल करके, और थोड़ा सा सरसों का कच्चा तेल डाल करके इसको मिला दूंगी। और यहाँ पे माजी का खाना भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये क्या करती है कि दोनों को ऐसे तोड़ करके और बीच में सरसों का तेल डाल करके खाती हैं, जिसका घी के साथ खाने का मन होता है वो घी के साथ खाता है, बट मुझे घी उतना पसंद नहीं, मैं घी के साथ नहीं खाती हूँ। मन करता है तो सरसों का तेल ले लेती हूँ, नहीं तो नहीं। और बहुत ज्यादा गरम गरम थे तो मैं इसको तोड़ रही थी, और तोड़ूंगी तो देखिएगा धुआं निकलेगा अंदर से। तो मैं 2-3 से ज्यादा नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ खाना भी था अभी आगे चल के, और इसीलिए। तो बहुत अच्छा लगा खा करके, और यहाँ पे हमारी बातें हो रही थी। और वो लोग महाराज गए थे अभी ऊपर, तो वो लोग अभी नहीं खा रहे थे, वो लोग पता नहीं क्या कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर दिए, और ये आया था रस मलाई। तो खाना खाने के बाद यहाँ पे सभी लोग खाएंगे रस मलाई बैठ करके, और सभी लोग टीवी देख रहे थे। तो मैं सबको देती जा रही थी एक एक करके, क्योंकि ऊपर वाला किचन में सारा ट्रे वगैरह रखा हुआ था, नीचे कुछ नहीं था, तो मुझे एक एक ले जाके देना पड़ा, क्योंकि आज नीचे हमारी खाना बनी थी। तो जहाँ मन करता है वहां बनना स्टार्ट हो जाता है। और आज का जो दिन है वो साल का आखिरी दिन है, तो उम्मीद करूंगी कि 2022 में जैसा भी बीता हो आपका दिन, अच्छा खराब जो भी हो सो अच्छा ही होता है। उम्मीद करती हूँ कि आने वाला साल सबके लिए बहुत अच्छा रहे, और ऐसा तो नहीं है कि हमेशा खुशी ही रहती है, लाइफ में हर चीज़ आते जाते रहता है, और नहीं तो ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा। अगर हमेशा लोग खुश ही रहे तो दुख का कभी पता नहीं चलता है, तो ये तो लाइफ में हमेशा चलते रहता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग भी न्यू ईयर्स की अच्छे तरीके से मनाते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा।